हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों ये आप देख रहे हैं फेसलिफ्ट टाटा सफारी वेरिएंट और ये है इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट वाइट कलर में। काफ़ी बढ़िया इसकी लुक बनाई गई है। जैसे इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ था तो शोरूम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी देखने के लिए इस वाले वेरिएंट को, क्योंकि ये लगती ही ऐसी है। फ्रंट प्रोफाइल से जब हम देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक कार की तरह लगती है। अब मैं इसके हेडलैम्प्स को ऑन करके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कीज़। इसमें इस टाइप की ऑफर की जाती है जिसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए और हेडलैम्प को ऑन करने के लिए बटन्स इसमें दिए गए हैं। जैसे मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूं तो ये आप एलईडी डीआरएल देख सकते हैं कनेक्टेड, और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें ऑफर किए जाते हैं विद फॉग लैम्प, और यहाँ पर सफारी की ब्रांडिंग इसमें दी गई है। फ्रंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर में बढ़िया सी ग्रिल ऑफर की जाती है। सेंटर में टाटा की ब्रांडिंग दी गई है और जो ये वाली जो ग्रिल है वो भी काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन रखा गया है। फ्रंट में इसमें कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। लोअर बम्पर की बात की जाए तो इसमें सेफ्टी के लिए 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड जो लोअर ग्रिल का जो ये पार्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको ग्रे कलर में जो स्किड प्लेट है वो ऑफर की जाती है। ऐसी कुछ जो इसकी साइड प्रोफाइल है वो दी गई है। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके टायर, टाटा की ब्रांडिंग दी गई है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी इसमें काफ़ी अच्छा रखा गया है और जो टायर साइज़ मिलता है इसमें वो है 235/60R18 का। सो काफ़ी बड़ा एंड चौड़ा टायर टाटा सफारी इसमें ऑफर करती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है और यहाँ पर ब्लैक कलर में व्हील आर्च इसमें ऑफर की जाती है। पियानो ब्लैक कलर में ORVM दिए गए हैं जिसमें इंडिकेटर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया गया है जिसकी प्लेसमेंट इधर की गई है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर सफारी की इसमें ब्रांडिंग दी गई है। साइड स्किड प्लेट भी इसमें आपको ब्लैक कलर में ऑफर की जाती है ब्रॉड सी, एंड जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर में दिए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें दिया गया है और की भी इसमें मिल जाती है। जो ये निशान देख रहे हैं आप यहाँ पर की इंसर्ट कर सकते हैं इस कवर को हटा के। बी पिलर आपको दिया जाता है ग्लोसी ब्लैक कलर में। एंड जैसे कि टाटा अभी सेलिब्रेट कर रहा है 25 इयर्स 50 लाख कार्स 1998 से 2023, सो उसकी यहाँ पर बैजिंग दी गई है। थर्ड ग्लास भी इसमें ऑफर किया जाता है जिससे इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो लुक काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ड्राइवर साइड में ही फ्यूल टैंक दिया जाता है जिसकी कैपेसिटी आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में रूफ रेल दी गई है जो कि फंक्शनल नहीं है लेकिन काफ़ी मजबूत ये लग रही है देखने में। इधर ये वाला पार्ट भी आपको रफ ब्लैक कलर में इसमें ऑफर किया जाता है। सो ओवरऑल जो इसकी साइड प्रोफाइल है वो ऐसी कुछ इसमें देखने को मिलती है। और एक बात और, रेयर में भी आपको सेफ्टी के लिए डिस्क ब्रेक इसमें ऑफर की जाती है। सो सेफ्टी का बहुत खास ध्यान रखा गया है। टाटा की कोई भी आप कार लेंगे, सफारी का कोई भी आप वेरिएंट लेंगे, उसमें आपको 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। सो ये मैंडेटरी कर दिया गया है टाटा की तरफ से भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम। अगर आप अपनी कार को महकाना चाहते हैं तो इस परफ्यूम को आप जरूर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कार परफ्यूम बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस ऑफर करता है और ये लास्ट 50-60 डेज आराम से चल जाता है। थोड़ी सी आपने स्प्रे करना है अपनी गाड़ी में और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया फ्रेग्रेंस ये बाद में ऑफर करेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके इसको मंगवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शार्फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक कलर में। यहाँ पर रियर स्पॉइलर भी दिया गया है जिसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप इसमें ऑफर किया जाता है। डिफोकर दिया गया है, रेयर वाइपर, एंड इधर टाटा की ब्रांडिंग दी गई है। साथ ही कनेक्टेड टेल लैंप इसमें ऑफर किए जाते हैं। अभी मैं आपको ऑन भी करके दिखा देता हूं। सो ये इतने बढ़िया प्यारे से जो इसके डिज़ाइन है वो टेल लैंप का इसमें बनाया गया है। नीचे की तरफ सफारी की ब्रांडिंग दी गई है। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे सेफ्टी के लिए 2 पार्किंग सेंसर्स टाटा सफारी ऑफर करती है। एंड जो ये लोअर स्किड प्लेट है इसमें आपको ग्रे कलर का यूज़ किया गया है और जो ये डिज़ाइन बनाया गया है इससे भी इसकी जो रेयर प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी ये बन जाती है। अदर साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों बात की जाए इसके इंटीरियर की, मैं स्टार्ट करता हूँ इसके डोर से। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है और उससे पहले आप देखिए इसकी ओपनिंग कितनी ज़्यादा इसमें ओपनिंग मिलती है। यहाँ पर आपको ब्राउन कलर में जो ये टेक्सचर दिया गया है और सॉफ्ट मटेरियल का इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में। ऑल फोर पावर विंडो, चाइल्ड लॉक के कंट्रोल, इनसाइड डोर ओपनर पर सिल्वर ट्रीटमेंट का इसमें यूज़ किया गया है। लॉक अनलॉक के लिए बटन इधर दिया गया है। ग्रैब हैंडल भी काफ़ी बढ़िया मजबूत ये लग रहा है देखने में। इसमें आपको ड्यूल कलर में जो डोर है वो ऑफर किया जाता है। बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट इसमें दी गई है, स्पीकर की प्लेसमेंट इसमें ऑफर की जाती है। एंड जो टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
ऐसा कुछ इसमें इंटीरियर दिया जाता है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको सनरूफ भी दी जाती है, पूरी पैनारोमिक सनरूफ ये वाला वेरिएंट ऑफर करता है। जो इंटीरियर में थीम रखी गई है वो ब्राउन कलर की थीम रखी गई है। एयरबैग की ब्रांडिंग इसमें देख सकते हैं, एंड जो सीट्स की कुशनिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया इसमें रखी गई है। मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ ड्राइवर साइड सीट इसमें ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है विद ब्राउन स्टिचेस, इधर ग्लॉसी ब्लैक कलर, और नीचे की तरफ जैसे कि ये AMT वेरिएंट है तो इसमें आपको फुटरेस्ट करने के लिए भी जगह दी गई है। अब हम चलते हैं कार के अंदर और बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में। ये देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त इसका इंटीरियर दिया गया है। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है। टू टाइम मैं इसमें प्रेस करूंगा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। लेदर एप्डी इसमें स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। जो इसमें प्लस पॉइंट है, मेजर प्लस पॉइंट मुझे जो इसका लगा वो है, अब इसमें आ गई है डिजिटली टाटा की ब्रांडिंग सेंटर में। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑडियो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाते हैं, एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल और MID को सेट रीसेट करने के लिए कंट्रोल इधर दिए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेयर कैमरा। पहले आप ये रियर कैमरा देखिए, इसकी क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त इसमें ऑफर की जाती है। सेम डिस्प्ले आपको टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिलेगी, इसमें भी आप देख रहे हैं 2D, ये 3D में हो जाता है चेंज। उसके बाद में ये फ्रंट रियर, इस तरीके से आप इसकी जो सेटिंग है जैसे आप देखना चाहते हैं इसके कैमरा व्यूज़ को, सो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो अदर इसकी इन्फॉर्मेशन है लाइक एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, ये सारी आप जो इन्फॉर्मेशन है और जो एप्लीकेशंस है वो इसमें आप देख सकते हैं। इंटरफेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है और जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा इसका रखा गया है। डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया इसका दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें ऑफर किया जाता है दोस्तों फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो इसकी स्पीड है, RPM है, नेविगेशन सिस्टम, इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी बढ़िया इसका फीचर मुझे लगा। अब अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है, ये देखिए, मीडिया, नोटिफिकेशंस, सेटिंग, ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, काफ़ी बढ़िया है। इसकी ब्राइट डिस्प्ले इसमें ऑफर की जाती है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें दिए जाते हैं उसके कंट्रोल, और ऑटोमेटिक वाइपर भी इसमें दिए जाते हैं उसके कंट्रोल इधर दिए गए हैं, और पैडल शिफ्टर्स भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। ये वाला स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन के साथ ऑफर किया जाता है। सेंटर में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, जिसमें सेंटर में इधर क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ इसमें किया गया है। ऑटोमेटिक AC इसमें मिल जाता है, जो भी AC की इन्फॉर्मेशन है, एयर फ्लो को आप एडजस्ट करना चाहते हैं इधर फ्लो को, एंड इधर इसका जो टेम्परेचर कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लॉक अनलॉक के लिए, बूट ओपन करने के लिए, हैजर्ड के स्विच, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। और पियानो ब्लैक कलर का इसमें यूज़ किया गया है सेंटर कंसोल में भी। और जो ये एम्बियंट लाइट देख रहे हैं ये इसके इंटीरियर को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देती है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें जो एम्बियंट लाइटिंग इफेक्ट है वो ऑफर किया जाता है। उसे नीचे की तरफ यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है सॉफ्ट मटेरियल का, एंड इधर USB चार्जिंग पॉइंट एंड सी टाइप चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। इधर इसके मोड्स, पियानो ब्लैक कलर, कॉकपिट डिज़ाइन इसका यहाँ पर रखा गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में। हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स इधर मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी सेंटर आर्मरेस्ट जो कि सॉफ्ट मटेरियल के साथ इसमें ऑफर की जाती है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं इसका स्टोरेज, जिसमें कि 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, साथ में USB पोर्ट एंड सी टाइप चार्जिंग पॉइंट इसमें देखने को मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया इसका जो डैशबोर्ड है वो ऑफर किया जाता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, इधर टेक्सचर का यूज़ किया गया है, इधर पियानो ब्लैक कलर, इधर देखने को मिलता है सॉफ्ट मटेरियल, इधर बेज कलर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्लव कंपार्टमेंट, लाइटिंग के साथ ये दिया जाता है एंड कूल्ड फंक्शन के साथ ये मिलता है, सो काफ़ी बढ़िया इसका ग्लव कंपार्टमेंट भी दिया गया है। मैन्युअली IRVM इसमें दिया जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर ज़रूर दिया गया है विद 2 लाइट्स, एंड एयरबैग की इसमें ब्रांडिंग दी गई है। इधर आपको LED में लाइट दी गई है, और जो पैनारोमिक सनरूफ है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बटन दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इसको कंट्रोल
कर सकते हैं, काफी बढ़िया है। इसमें बड़ी साइज की सनरूफ इसमें ऑफर की जाती है। अब हम चलते हैं कार की रेयर सीट पे और वहां हम देखते हैं कि टाटा सफारी क्या कुछ कंफर्ट हमको उधर ऑफर करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेकंड रो की सीट। उससे पहले जो इसका डोर है वो ऐसा कुछ इसमें ऑफर किया जाता है। इसमें आपको सन शेड भी दी जाती है। यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है। इधर डोर हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल्स, इधर भी डोर हैंडल, यहाँ पर बोतल होल्डर की प्लेसमेंट, इधर कुछ स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट और जो सेकंड रो की सीट है ऐसी कुछ इसमें ऑफर की जाती है। काफ़ी बढ़िया लग रही है ये भी देखने में। एंड इसको आप जो रेक्लाइन है वो भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो कम्फर्ट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। सेंटर में आर्मरेस्ट इसमें ऑफर की जाती है विथ टू कप होल्डर्स। एंड ये वाली सीट आपको टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ ऑफर की जाती है। अब हम चलते हैं कार के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंफर्ट। आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इसमें लेग रूम ऑफर किया जाता है। सो कम्फर्ट वाइज टाटा सफारी में काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डोर पॉकेट दी गई है और जो एसी वेंट है वो आपको साइड में यहाँ पर दिए जाते हैं। सेंटर में आपको एसी वेंट देखने को नहीं मिलेगा, वो दोनों ही डोर्स पर यहाँ पर साइड में दिए गए हैं। रेयर सीट से जो फ्रंट कैबिन है ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस, इधर चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। हम्प जरूर इसमें दिया गया है थोड़ा सा, लेकिन थ्री पैसेंजर इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेक्लाइन कर सकते हैं इन सीट्स को, जिससे कि सेंटर पैसेंजर को भी ज़्यादा परेशानी नहीं रहने वाली है। और जो ये आप देखिए सेंटर आर्मरेस्ट बिल्कुल अंदर की तरफ गई हुई है। सो ये वाला पार्ट जो नॉर्मल गाड़ीज में आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल फ्लैट ये मिलने वाला है, जिससे कि थ्री पैसेंजर्स जब ट्रैवल करेंगे तो सेंटर पैसेंजर को कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपको मिल जाती है LED कैबिन लाइट। बटन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया रखी गई है, दोनों ही साइड में ये मिल जाती है। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इसका हेडरूम। टाटा सफारी में इतना कुछ इसमें हेडरूम ऑफर किया जाता है। मेरी हाइट जैसे कि 5'4" है, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना ज़्यादा इसमें हेडरूम मिल जाता है। अब जैक आउट करते हैं इसके बूट स्पेस को। ये वाला बटन भी इसमें दिया गया है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें बटन दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ दोस्तों इसका जो बूट स्पेस है वो ऑफर किया जाता है, इतना मिलता है जब इसको दोनों ही सीट्स को हम अनफोल्ड करते हैं। इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं फोल्ड करने के बाद, सो जिससे कि जो आपका बूट स्पेस है वो यहाँ तक आपका इंक्रीज़ हो जाता है। काफ़ी बढ़िया इसमें बूट स्पेस फिर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक साइड में हैलोजन लाइट भी ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस कुछ ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। इसका स्पेस आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं आगे वाली सीट को आगे की तरफ एडजस्ट करके। सो एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं ये वाली सीट्स टू किड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। दोस्तों अब बात की जाए इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको ऑफर किया जाता है 195 cc का इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 167 bhp की एट 3750 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क इसमें मिलने वाली है 350 Nm की एट 1750 से लेके 2500 rpm तक। दोस्तों सेफ्टी की बात की जाए तो रिसेंटली ही ग्लोबल एनकैप में टाटा सफारी ने 5-star रेटिंग हासिल की है। अदर सेफ्टी फीचर्स की डिटेल आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था रिव्यू टाटा सफारी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टाटा सफारी के या और टाटा की किसी भी कार्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू विजन टाटा पंचकूला, और आप पंचकूला के शोरूम में भी आप विजिट कर सकते हैं, उनका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कार न्यू अपडेट्स। टिल देन गुड बाय।